नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25, 26 और 27 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते तो होंगे, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके नौ को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 25 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों ये दिन शनिवार का दिन होगा। कृष्ण पद की षष्ठी तिथि रहेगी। पूर्व फल्गुणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों, दिन योग की बात करें तो प्रीति नामक शुभ योग और आयुष्मान नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों, राहु कल का समय सुबह के 9:48 से लेकर सुबह के 11:07 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन सिंह राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन 26 दिसंबर की बात करें तो रविवार का दिन होगा। सप्तमी तिथि उत्तर फाल्गुनी नाम का नक्षत्र और दोस्तों इन दिन सौभाग्य नाम का भी शुभ योग रहेगा। राहु कल के समय शाम के 4:25 से लेकर शाम के 5:44 रहेगा और चंद्रमा दिन सिंह राशि को प्रांत कन्या राशि में संचार कर जाएंगे। वहीं दोस्तों, आखिरी दिन 27 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों इन दिन सोमवार का दिन होगा। कृष्ण पद की अष्टमी तिथि हस्त नाम का नक्षत्र और दोस्तों अतिगंड नाम का शुभ योग इस दिन भी रहने वाले हैं। राहु कल के समय सुबह के 8:29 से लेकर सुबह के 9:49 रहेगा और चंद्रमा दिन कन्या राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीन दिनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय आपको विदेश से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये खुशखबरी जो है स्कॉलरशिप या फिर एडमिशन के रूप में मिल सकती है। ये एक नई नौकरी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, ईमेल जरूर देखें, अपने अंदर की आवाज़ आपको सही दिशा दिलाएगा। वही दोस्तों, यह समय आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो अगर आपने अपने घर के किसी सदस्य से उधार लिया था तो उसे लौटा दें, नहीं तो दोस्तों ये जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज ये जो समय होगा दोस्तों, इन दिनों में जितना हो सके लोगों से आप दूर रहें। दोस्तों, यश में लोगों को वक्त देने से बेहतर होगा कि आप अपने आप को वक्त दें। दोस्तों, यश में अपने लिए तनाव पैदा कर सकते हैं और ज़्यादा खर्च करने से यश में बचें। दोस्तों, आपके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति यश में बन सकती है। महत्वपूर्ण निर्णयों को स्थगित करने का यश में समय होगा। तो दोस्तों, इन दिनों में गुजरे समय में कोई असफल सी योजना जो है यश में कुछ लाभदायक हो सकती है। अचानक या फिर जल्दबाजी में कोई फैसला आप यश में बिल्कुल ना लें। किसी भी तरह के अनुबंध या फिर कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें या फिर जांच कर लें। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए जॉब में सफलता के योग हैं। टारगेट्स जो है आपके टारगेट्स में आप सफल रहेंगे, अपने टारगेट को यश में पूरा कर सकते हैं। आपको इनसे यश में पुरस्कार भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में व्यापारियों के लिए जो समय रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रहने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इन दिनों में पहले करे गए काम जो है आखिरकार फायदेमंद साबित तो हो सकते हैं, लेकिन आपको विरोध का सामना भी यश में करना होगा। दुश्मनों से यश में आप बच कर रहें तो आपके लिए बच अच्छा रहेगा। वह दोस्तों, इन दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यश में पति पत्नी के साथ आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। जीवन साथी के सहयोग से किसी नए कार्य का जो है शुभारंभ यश में किया जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपके ससुराल पक्ष से भी कोई सहयोग प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। इस तरह से जो है आपका मन यश में जो प्रसन्नित रह सकता है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों, यश में जीवन साथी के साथ आपका जो तालमेल है बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमियों के लिए भी यश में औसत है। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद में ऊर्जा यश में महसूस करेंगे। ये जो दिन है आप बेशक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपको काफ़ी समय में चल रही बीमारी से भी यश में छुटकारा मिल सकता है।
दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों ये जो समय है आंतरिक की अपेक्षा बाहरी सौंदर्य को आप अधिक जो है महत्व देंगे। सौंदर्य सुरक्षा और शारीरिक सौंदर्य को नवीनता प्रदान करने के लिए आप यश में प्रयास करेंगे, ऐसा गणेश जी बताते हैं। दोस्तों आपकी नई सजावट आपको अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाएगा। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो कंपनी के वित्तीय मामले यश में आपको चिंतित रखेंगे। नई निवेश की परियोजना पर आप यश में जो है काम कर सकते हैं और इन काम को लेकर आपके अंदर जो है पर्याप्त ऊर्जा भी रहेगी। वित्तीय चर्चा से जुड़ी मीटिंग आपके लिए अनुकूल साबित होगा। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए जो है आगामी परियोजनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय होगा। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो ठाट और शांत से अपने प्रेमी के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। आप अपने जीवन को जो है प्रेममय कर देंगे। गणेश जी का मानना है कि अपने साथी को जो है रचनात्मक तरीके से लुभाने की आप कोशिश करेंगे। दोस्तों गणेश जी यश में आपके रिश्ते को दीर्घकाल तक बना देखते हैं। वह दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो समय है आपके लिए अपनी छवि सुधारने का समय होगा। यश में आप अपनी छवि सुधारने पर बल भी देंगे, लेकिन दोस्तों आप इसे जो है लेकर बहुत खर्चीले नहीं होंगे। आप सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए यश में पूरी कोशिश करेंगे और इस तरह से पैसे की एक बड़ी राशि को खर्च होने से आप बचा लेंगे। वही दोस्तों इन दिनों के लिए आपका जो है एजेंडा स्वास्थ्य कल्याण होगा। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक फिटनेस प्लान तैयार करके तुरंत व्यायाम शुरू करेंगे। दोस्तों यश में अपनी ऊर्जा के स्तर और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जंक फूड से आप सिर्फ बचें और शाम को आराम करें। वही दोस्तों यश में मनोरंजन में बाहर की गतिविधियाँ और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दोस्तों की परेशानियां और तनाव के चलते आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अपने पीर की छोटी मोटी जो है भूल को आप यश में अनदेखा कर दें। किसी नई जो है परियोजना पर आप काम करने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, उस पर तभी आप कार्य करें। नए विचारों और आइडिया को है यश में जाँचने का जो है समय होगा। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं तो दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए आप हालात से बेहतर हुए महसूस करेंगे। यानी दोस्तों जो आपके पिछले हालात आपके साथ हुए हैं उनसे आप यश में कुछ बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों आप इन दिनों में मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन सहित जो है बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे दोस्तों आपके जो पारिवारिक जीवन है उनकी जो बाधाएँ नोक झोंक है ये इनसे दूर होंगी। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। ऐसे में दोस्तों यश में आप जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ दें और फिर नदी में दोस्तों प्रवाहित कर दें। ये दोस्तों ये उपाय आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे और यश में को आप इनसे बेहतर बना पाएंगे।